हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है इंडियन पासपोर्ट इज नाउ अ लॉट स्ट्रॉन्गर, प्रशांत धवन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी भाई बहनों को, सभी मेरे व्यूअर्स को अ हैप्पी मकर संक्रांत, लोहरी एंड पोंगल। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। सो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 2022 की मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इंडियन पासपोर्ट इज मच मोर स्ट्रांगर। जहाँ पे बाकी पासपोर्ट आप देखोगे दुनिया भर के, वो गिरे हैं, टैंक हुए हैं, इंडिया में सिंस हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, हमारा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर रही है। उसके अलावा अब कई देश हैं जो इंडिया के टूरिस्ट से वीज़ा नहीं मांगते, तो इस सब की वजह से ओवरऑल इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बड़ी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडियन पासपोर्ट की रैंक क्या है, चाइना कहाँ पे खड़ा है, यूएस कहाँ पे है, इवेंचुअली कैसे हम इन द फ्यूचर चाइना को बीट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि रिसेंटली रिलीज की गई, 2021 में रिलीज हुई थी लोई इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रैंक 9th, 1st, 4th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ 2022 एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है इंडियन पासपोर्ट के लिए। पहली बात तो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे ई पासपोर्ट, मतलब के माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट होंगे, जहां पे आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जो आपका फिंगरप्रिंट है, उसके अलावा रेटिना का स्कैन, ये सब यहां पे होगा और ग्लोबली ट्रैवल करने में इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। नाउ ये तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एस्पेक्ट की। इंटरनेशनली आप अगर देखें तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हो चुकी है 83rd। हिस्टोरिक रैंकिंग आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा जंप है। 2021 में हम थे 90th रैंक पर, तो 7 पायदान हमने यहाँ पर जंप मारी है। उससे पहले आप अगर जाओगे ना तो 2014-15 के आसपास हमारी रैंक हुआ करती थी 76 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ है कि कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, मगर इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और अब पॉसिबिलिटी है कि अगले साल हम वापस टॉप 70 की जो रैंक है यहां पर कर सकते हैं एंटर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इस रैंकिंग का फायदा क्या है, देखो इस रैंकिंग का फायदा यहां पर दिया हुआ है, आज के समय ये सब देश है जहां पे आप वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कतर में आपको पता होगा इंडियंस जा सकते हैं बिना वीजा के। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट से ही इंडियंस जा सकते हैं कतर में और अप टू 60 डेज तक रह सकते हैं। उसके अलावा सर्बिया, अल्बेनिया, जमैका, वेरियस जो यहाँ पर आपको कंट्रीज दिख रही हैं जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, वहां पर बिना वीजा के इंडियंस कर सकते हैं ट्रैवल। जहां पर स्टार लगा हुआ है वहां पे इंडियंस को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल, मतलब के उस कंट्री को विजिट करना है, उस कंट्री के एयरपोर्ट में अलग से लाइन में खड़ा होना है, वहां पे उनको वीजा मिल जाएगा और उसके बाद उस कंट्री में कर सकते हैं वो लोग एंटर। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो दो देशों ने इंडिया के लिए और वेलकमिंग रूल्स लागू कर दिए हैं। एक तो है अर्मेनिया ने भी अब दे दी है इंडिया को वीजा फ्री फैसिलिटी। उसके अलावा है ओमान में भी इंडियंस अब बिना वीजा के कर सकते हैं एंटर। नाउ ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की रैंकिंग की। ग्लोबल रैंकिंग को आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दो देश मिलेंगे, जापान और सिंगापुर। दोनों का पासपोर्ट इक्वली पावरफुल आपको मिलेगा। बहुत से देश है दुनिया भर में जहां पर जापानीज पासपोर्ट के साथ आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। फिर बाकी कंट्रीज को आप अगर देखें तो यहाँ पर यूएसए की रैंक है 6th और चाइना की यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी 64। देखो चाइना की रैंक देख के आप समझ सकते हैं कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। आप अगर इंडिया के ऊपर जो कई देश देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे देश मिलेंगे जिनको हम बहुत ही आसानी से सरपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, रवांडा, किर्गिस्तान। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल टॉप 70 में रह सकता है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी कि चाइना की जो रैंक है इसके जितने करीब हम आ पाएँ उतने करीब आएँ। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी डिप्लोमेसी को और स्ट्रॉन्ग करें। कई देश है दुनिया भर में जिनको हम दे सकते हैं वीजा फ्री फैसिलिटी, उसके बदले में वो देश भी ऑफर कर सकते हैं वीजा फ्री ट्रैवल को। तो इट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक डेफिनेटली यहां पर इंप्रूव ही करने वाली है। नाउ इस इंडेक्स को आप अगर देखोगे फ्रॉम द बॉटम तो सबसे ज्यादा वर्स्ट पासपोर्ट दुनिया का आज के समय है अफगानिस्तान का। बहुत ज्यादा कम कंट्रीज में आपको एंट्री मिलेगी इस पासपोर्ट के साथ।
फिर उसके ऊपर है इराक, सीरिया और पाकिस्तान, यमन। ये जो पांच देश हैं इनके साथ सबसे कम आपको एक्सेस मिलता है दुनिया भर की कंट्रीज का। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इवन नॉर्थ कोरिया का जो पासपोर्ट है ये आपको नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर मिलेगा। तो क्लियरली इन कंट्रीज़ को काफ़ी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है इन देयर डिप्लोमेसी। नाउ एक यहाँ पे आपको मैं बात बताता हूँ हिस्टोरिकल इम्प्रूवमेंट की, कि किस कंट्री ने ओवर द ईयर्स कितनी इम्प्रूवमेंट करी है। अगर आप चाइना का पासपोर्ट देखोगे तो 2014-15 के आसपास इस पासपोर्ट की रैंकिंग थी 94, और पिछले 7-8 सालों में आप कह सकते हैं ये लोग 94 से सीधा पहुंच चुके हैं 64 तक। पिछले 15 सालों में अब तक की बेस्ट रैंकिंग है ये चाइनीज पासपोर्ट की। वेरेज आप अगर पाकिस्तान को देखो तो हालांकि इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करी है, 2021 में आप अगर देखो तो इनकी जो रैंकिंग थी ये 113 थी, अब ये 113 से इम्प्रूव करके 108 पे आए हैं। मगर 2014 के आसपास आप अगर देखो, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंक आपको चाइनीज पासपोर्ट की रैंक से बेहतर मिलेगी। इनकी रैंक थी उस वक्त 92nd, तो ये 92nd से गिरे हैं 108 पर। और नेपाल की भी सिमिलर स्टोरी आपको मिलेगी, 2014 के आसपास इनकी रैंकिंग थी 90, फिर ये गिर के आ गए 105 पर। नाउ वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द लेटेस्ट एशिया पावर इंडेक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4th है इंडिया की रैंकिंग। नंबर 1 पे यहाँ पे था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे था यहाँ पर चाइना, नंबर 3 था यहाँ पर जापान, और नंबर 4 पे था इंडिया। तो इन रैंकिंग्स को याद रखिएगा, वेरियस एग्जाम्स में इसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट और इन द फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आपको 10% ऑफ और 3 months एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे, और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 months आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी। तो दोस्तों, नया साल हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया, और ख़ास करके पासपोर्ट के मामले में कि अन्य देशों की तुलना में हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो काफ़ी सुधरी है, उसमें काफ़ी सुधार आया है, एंड इट इज़ बिकमिंग अ लॉट मच मोर स्ट्रॉन्गर। अब पहले तो पासपोर्ट के बारे में बताएंगे कि आने वाले कुछ सालों में ई पासपोर्ट गवर्नमेंट इशू करने जा रही है, और ख़ास करके ये जो ई पासपोर्ट का जो पूरा काम है सेकेंड फेज का, ये इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट TCS को मिला हुआ है। और हम देखते हैं कि पहले फेज में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसका जो पूरा बैकएंड ऑपरेशंस है, जो प्रोसेसिंग है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी TCS के पास था। और हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने पासपोर्ट अपने निकाले हैं कि कितने बहुत ही कम समय में बिना ज़्यादा झंझट के, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही सुलभ तरीके से जो पासपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है जब हम किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते हैं वो पूरी हुई, और थैंक्स टू TCS एंड बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी। अब ये जो ई पासपोर्ट होने वाला है इसमें एक अनोखी सी चीज़ ऐसी है कि इसमें एक चिप एम्बेडेड होगा कि जिसमें हमारा जो भी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो उसमें रहेगा, कि ताकि आगे चल के हम जब भी किसी कोई देश में जाते हैं वीज़ा के समय में इसकी काफ़ी सुविधा हो जाएगी। खैर, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इसके बारे में और जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारे पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में, कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जब रिलीज़ हुआ तो उसमें ये मालूम हुआ कि जो हमारे देश की जो रैंकिंग है वो 83rd पोजीशन पर आ गई है। पिछले साल यही रैंकिंग हमारी 90th पर थी, यानी कम से कम 7 पायदान हम नीचे उतरे, यानी काफ़ी सुधार हुआ है। पर अगर ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो जो टॉप नंबर 1 पोजीशन पर जो देश बैठे हैं वो है जापान और सिंगापुर की, जिन्हें 192 कंट्री को एक्सेस, वीज़ा फ्री एक्सेस उनको मिला हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद आते हैं जर्मनी और साउथ कोरिया की, जिनको 190 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस उनको मिला हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि हर साल ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ होते रहता है और इसमें ये जो कंट्रीज़ होते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इसमें अगर हम देखेंगे हमारे भारत के बारे में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारे भारत ने किया एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
चाइना के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो 64th रैंक पर है, और अगर पिछले 10-15 सालों में उसकी रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। पहले उसकी रैंकिंग 94 के आसपास थी, इन्हें 30 पायदान वो नीचे उतरा है। और जिस तरीके से हम भारत कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से मेजर्स लिए जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम जल्दी चाइना को कैच कर लेंगे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस हमें भी मिल जाएगा। अब ये पासपोर्ट के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि वीज़ा फ्री एंट्री हो जाती है उस देश में, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल होता है। कि जैसे इस साल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एक्सेस हमें दिया, जैसे कतार है, सर्बिया है, अल्बेनिया है, ओमान है, आर्मेनिया है, इन सारे देशों ने ये वीज़ा फ्री एक्सेस हमें दिया हुआ है। कुछ ऐसे देश है कि जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल होगा, कि उन देशों के सामने स्टार मार्क किया हुआ है कि जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि उस देश में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। अगर हम लोग देखते हैं कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग जो कंट्रीज़ रहे हैं वो कौन से रहे, तो वो 5 कंट्रीज़ रहे कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही वर्स्ट है एज़ फार एज देयर पासपोर्ट स्ट्रेंथ इज़ कंसर्न। उसमें सबसे पहला नाम तो अफगानिस्तान का आता है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो टर्मोइल अफगानिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है, उसे बहुत ही स्वाभाविक था कि अफगानिस्तान का नाम उसमें ज़रूर होगा। तो अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, यमन और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है कि जिसका नाम है पाकिस्तान, वो भी उसमें शुमार कर चुका है। तो बहुत ही इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे कंट्री में उनको उनका जो एक्सेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और उनको बहुत इजीली वहाँ पे उन देशों में जाने के लिए काफ़ी सारी कठिनाई उन्हें फेस वो कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो 2021 में उन वो 113 के पायदान पर थे और इस साल उन्होंने वो 108 के पायदान पर आए, नहीं 5 के लगभग उनका रैंक नीचे गिरा, नीचे आए नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर फिर भी अगर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वर्स्ट उनका परफॉर्मेंस रहा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। नेपाल का भी वही देखने को हमें मिल रहा है कि 2014 में वो 90 के आसपास उसकी रैंकिंग थी, अब वो 105 के ऊपर आ गया है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं कि जिसकी वजह से ये जो रैंकिंग्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है। और जो हमारे भारत ने जो ये परफॉर्मेंस दिया है, इसका सबसे पहला श्रेय तो मैं हमारे जो स्वर्गीय फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी को मैं देना चाहूँगा। उसके बाद अब जो वर्तमान के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है श्री जयशंकर जी, उनको मैं देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में हमारे देश की छवि को बहुत ही पॉजिटिवली ले जाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स, जो जैसे हम लोग कहते हैं कि डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स लेने चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए, जो एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए वो उनके तरफ से हुआ है। गुड गवर्नेंस हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन की, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है कि मैसिव स्केल पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कि जिसकी वजह से भी शायद मुझे लगता है कि यह रैंकिंग में इसका असर हमें देखने को मिला है। पर फिर भी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ, और ख़ास करके हमें जापान जैसे देश से सीखना चाहिए कि द्वितीय युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और बिल्कुल एक फिनिक्स पक्षी की तरह वो फिर से उभरा, और आज हम देखते हैं कि जापान पहले 3 रैंकिंग सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में, सबसे तो आज US है, उसके बाद चाइना है और थर्ड है जापान। इतना छोटा सा देश है, और जहाँ पे हमेशा नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, आपके टाइफूनस हैं, बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स उस देश को सहन करने पड़ते हैं। आबादी बिल्कुल कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना, पर फिर भी आज बिल्कुल मजबूती के साथ वो अपने तीसरे पायदान पर है। पूरे वर्ल्ड में उसकी अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आप देख लीजिए, आप ऑटोमोबाइल के फील्ड में देख लीजिए, हर सेक्टर में हम देखते हैं कि जापानीज लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना उनका डोमिनेंस रहा है। तो और हमेशा इंडिया और जापान की बहुत अच्छी दोस्ती रही है। जो हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, वहाँ पर भी हमें जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद होने वाली है। जो फिनेंस हमें मिल रहा है वो भी जापानीज बैंक से हमें मिल रहा है। तो हमें जापान से और बहुत कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट आज कम से कम 192 देशों में वो बिल्कुल वीज़ा एक्सेस फ्री वो जा रहे हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ के लोग जा रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने लायक है छोटे से देश से। तो हम ज़रूर उम्मीद है कि आने वाले सालों में इस परफॉर्मेंस में और हमें तरक्की देखने को मिलेगी, और शायद फर्स्ट 50, फर्स्ट 60 में हमारे देश का नाम होगा। फिर एक बार मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे सामने लाया।
दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए।